सो ये हमारी सेकंड वीडियो है 2D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की। पिछली वीडियो में हमने कोजी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी जो कि 2D NMR टेक्निक है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे नोजी यानी कि न्यूक्लियर ओवरहाउसर इफेक्ट के बारे में। ये भी 2D NMR टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो स्पेस में जो हमारे NMR एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में कोरिलेट करते हैं और हमें क्रॉस पीक्स देखने को मिलते हैं उसकी वजह से, जिससे हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का पता लगा सकते हैं, मॉलिक्यूल की स्टीरियो केमिस्ट्री का पता लगा सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि हमारे पास जो कोजी में हम करते आए थे, कोजी में क्या था, जैसे कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन है, ये आपस में स्पिन स्पिन कपलिंग करेंगे, इनसे क्रॉस पीक्स आएंगी, ये क्रॉस पीक्स आएंगी तब हमें पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोटोन किसके साथ कपलिंग कर रहा है, वो हमें कोजी में देखने को मिलता है। देखो कोजी में हम क्या काम करते हैं, कोजी में हमारे पास जो भी एटम होते हैं वो एटम वो होते हैं जो कि कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं और वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि हमें कोजी में जे कपलिंग देखने को मिलती है, लेकिन नोजी में हमें स्पेस में कपलिंग देखने को मिलती है, यानी कि ये दोनों के दोनों प्रोटॉन इस कंडीशन में, नोजी में ये दोनों के दोनों प्रोटॉन स्पेस के थ्रू, ये जो खाली जगह है इसके थ्रू इंटरेक्ट करेंगे, ना कि इस बॉन्डिंग के थ्रू इंटरेक्ट करेंगे। ये जो बॉन्डिंग है ना, इसको बोलते हैं जे कपलिंग। बॉन्डिंग के थ्रू जो इंटरेक्शन होता है, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू इंटरेक्शन होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम जे कपलिंग। लेकिन यहां पर जे कपलिंग नहीं होती है नोजी में, नोजी में स्पेस कपलिंग होती है, यानी कि स्पेस के थ्रू कपलिंग होती है। अब इससे क्या पता लगा सकते हैं, इससे देखो अगर हम मान लो ये कुछ इस तरीके से है, यहां पर ET है, यहां पर हमारे पास CH3 है, ठीक है, इस तरीके से है, तो ये क्या है, सिस एल्कीन है, यहां पर डबल बॉन्ड है, सिस एल्कीन है। अगर मान लो यहां पर इस तरीके से है, सिस एल्कीन है, तो ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन अगर मान लो मैं यहां पर CH3 भेज दूं और यहां पर मैं H लगा दूं, ये क्या है, ट्रांस एल्कीन। अब इस कंडीशन में ये प्रोटॉन इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा स्पेस में, क्योंकि स्पेस में इंटरेक्शन करने के लिए हमारे पास मिनिमम इनकी डिस्टेंस होनी चाहिए, यानी कि स्पेस में दूर दूर नहीं होने चाहिए, स्पेस में इंटरेक्ट करने के लिए ये पास पास होने चाहिए, तभी तो स्पेस में इंटरेक्शन हो पाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया भी होता है कि हमारे डिस्टेंस जो है इन दो प्रोटोनों के बीच में, जो प्रोटोन स्पेस में इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके बीच में लगभग 5 या 6 एमस्टोन, ज्यादा 5-6 एमस्टोन की हमारे पास डिस्टेंस होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर डिस्टेंस होती है इन प्रोटोनों के बीच, तो वहां पर हमें स्पेस में कोई भी इंटरेक्शन शो नहीं होगा, जिससे हमारे पास कोई भी यहां पर क्रॉस पीक नहीं आने वाली है। तो इस कंडीशन में अगर बात करूं मैं ट्रांस एल्कीन की, तो ये दो प्रोटोन आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, जिससे हमारे पास क्रॉस पीक नहीं आएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हमारी जो नोजी है ये स्पेस में इंटरेक्शन को शो करती है, उससे डील करती है, लेकिन हमारी जो कोजी स्पेक्ट्रोस्कोपी थी वो जी कपलिंग पर डिपेंड थी, यानी कि जो बॉन्डिंग है उसके थ्रू इंटरेक्शन हो रहा था वहां पर। यहां पर हमारे पास डिस्टेंस डिपेंड करती है, वहां पर डिस्टेंस का इतना खेल नहीं था, लेकिन यहां पर देखो यार, अगर स्पेस में हमारे पास इंटरेक्शन होगा तो जितने ज्यादा पास होंगे हमारे पास ये प्रोटोन, उतनी ही बेटर इंटरेक्शन होगी। तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस कम होगी ना इन न्यूक्लियाई यानी कि हमारे पास जो प्रोटोन है इनके बीच में, जितनी ज्यादा कम डिस्टेंस होगी उतनी ही बेटर हमारा जो इंटेंसिटी आने वाली है सिग्नल की, वो उतनी ही बेटर आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, यानी कि मोटा मोटा हमने समझ लिया है कि नोजी में हम क्या करने वाले हैं, क्या है नोजी, ठीक है। अब देखो इससे हम आराम से पता लगा सकते हैं कि सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर, यानी कि आराम से हम स्टीरियो केमिस्ट्री का पता लगा सकते हैं दो मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इट इज ए 2D NMR टेक्निक, ये 2D NMR टेक्निक है विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व बाई ओवरहाउसर, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड NOE इफेक्ट, यानी कि न्यूक्लियर ओवरहाउसर इफेक्ट इसको बोलते हैं, क्योंकि इन ओवरहाउसर नाम के साइंटिस्ट ने इसे खोजा था, इसलिए इसे NOE इफेक्ट या कि न्यूक्लियर ओवरहाउसर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इन द नोजी इफेक्ट वी यूज डबल इरेडिएशन टेक्निक। अब देखो नोजी स्पेक्ट्रम में या फिर नोजी इफेक्ट में क्या काम करते हैं, हम डबल इरेडिएशन टेक्निक का यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हमारे पास ये कुछ इस तरीके से है,
यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ईटी है, मान लो ईटी है एथिल ग्रुप। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन, इनमें से जो हमारे पास दो हाइड्रोजन इंटरेक्ट कर रहे हैं उनमें से एक पर ज़्यादा इंटरेक्शन, यानी कि उसे मैं इरेडिएट कर दूंगा। इरेडिएट, देखो हमारे पास इरेडिएशन टेक्निक का मतलब ये होता है कि एक प्रोटोन को मैं इतना ज़्यादा इरेडिएट कर दूंगा, इतनी ज़्यादा रेडिएशन उस पर रेगुलरली डालता रहूँगा जिससे उसमें सैचुरेशन आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक तो मॉलिक्यूल होता नहीं है, हमारे पास हम जो सैंपल लेते हैं उसमें मान लो 100 मॉलिक्यूल हैं। अब 100 मॉलिक्यूल में यहां पर जो ये हाइड्रोजन है इसे मैं H डैश लिख देता हूं, ये H है, ये H डैश है। अब H डैश भी हमारे पास 100 ही होंगे। अब 100 होंगे तो उनमें से जो ग्राउंड स्टेट है और जो एक्साइटेड स्टेट है उनमें से ग्राउंड स्टेट पर ज्यादा पॉपुलेशन होगी। 100 में से मान लो हमारे पास 70 जो H डैश हमारे पास एटम है वो 70 हमारे पास लोअर स्टेट पर है और 30 हमारे पास हायर स्टेट पर है मान लो। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है, मान लो अगर मैं ऐसी कंडीशन जनरेट कर दूं, अगर मैं इसे एनर्जी दूंगा तो ये एनर्जी लेकर के कहां पर जाएंगे, हायर स्टेट पर। तो जैसे जैसे एनर्जी दूंगा सारे के सारे ऊपर जाते जाएंगे, हायर स्टेट पर जाते जाएंगे। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें से 50% यहां पर होंगे, 50% एक्साइटेड स्टेट में होंगे। तो इसी को बोलते हैं हम सैचुरेशन स्टेट। ये आपको नए एमएससी प्री में पढ़ लिया होगा। तो ये होती है सैचुरेशन स्टेट। और सैचुरेशन स्टेट कभी भी किसी भी एटम के पास आ जाती है तो उस कंडीशन में फर्दर उसका कोई भी हमारे पास सिग्नल नहीं आता है। तो जो सैचुरेशन स्टेट जो हम अचीव कर रहे हैं उसको अचीव जब हम कर लेते हैं, यानी कि 50-50 हमारे पास यहां पर पॉपुलेशन डिस्टेंस हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये प्रोटोन जो है ये प्रोटोन सिग्नल नहीं देगा। जब ये प्रोटोन सिग्नल नहीं देगा तो ये प्रोटोन जो कि इसके नेबर में यानी कि पड़ोस में प्रेजेंट है तो इसकी इंटेंसिटी को ये बढ़ा देगा। तो मान लो अगर हमारे पास इस तरीके से है, ये दोनों सिग्नल इस तरीके से दे रहे थे लेकिन मैंने इस एच डैश को इरेडिएट कर दिया, इरेडिएट मतलब इसे डीकपल बना दिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये तो सिग्नल नहीं देगा अब लेकिन इसकी इंटेंसिटी को ये बढ़ा देगा। अब इससे क्या पता चलेगा, इससे पता ये चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे के बगल में प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर ये एच डैश हमारा यहाँ पर होता, यहाँ पर ET हो, यहाँ पर H डैश है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों सिग्नल इस तरीके से देंगे लेकिन अगर मैं इसे इरेडिएट करता हूं तो इसके इरेडिएशन से इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इसे इरेडिएट करूंगा इसका सिग्नल गायब हो जाएगा लेकिन इसकी इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कपलिंग नहीं कर रहे थे स्पेस में, एक दूसरे के बगल में प्रेजेंट नहीं थे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या है, ये ट्रांस एल्कीन है ना कि सिस एल्कीन है। तो इसी को बोलते हैं हम इरेडिएशन टेक्निक। तो इरेडिएशन, डबल इरेडिएशन टेक्निक का हम यूज करते हैं, ठीक है। इन दिस टेक्निक इन विच टू प्रोटॉन्स विच इज प्रेजेंट इन डिफरेंट एनवायरमेंट बट क्लोज टू ईच अदर, यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारे पास दो टाइप के प्रोटोन हैं जो कि केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है, जिनका एनवायरमेंट अलग अलग है। अब उनमें क्या होने वाला है, उनमें देखो इफ इनमें से एक जो प्रोटोन है अगर उसे मैं ट्रीट करूंगा डबल इरेडिएशन टेक्निक से, यानी कि उस पर डबल इरेडिएशन डालूंगा, डबल हम उसे डीकपल बना देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देन इट इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड प्रोटोन विच इज प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर, यानी कि उस कंडीशन में क्या होगा, एक प्रोटोन जो कि सिग्नल नहीं देगा जिसको मैंने डीकपल बना दिया है लेकिन उसके बगल में नेबर में जो प्रोटोन प्रेजेंट था उसकी इंटेंसिटी को ये बढ़ा देगा। लेकिन कंडीशन क्या है, ये इसके स्पेस में इंट्रैक्शन करना चाहिए, यानी कि ये दोनों है ना ये एक दूसरे के पास होने चाहिए, इनके अंदर एक दूसरे के साथ स्पेस में इंट्रैक्शन होना चाहिए। अगर नहीं होगा, यानी कि अगर ट्रांस होंगे ये एक दूसरे से, इंट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, तो उस कंडीशन में एक को डीकपल बना दूंगा तो दूसरे की इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी, उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से होता है, देन यानी कि कोरिलेट टू ईच अदर है, यानी कि दो प्रोटॉन जो कोरिलेट कर रहे थे उनकी बात कर रहा हूं। द डिस्टेंस ऑफ कोरिलेटिंग न्यूक्लियाई शुड हैव लेस देन 5 to 6 mAh, यानी कि जो हमारे पास कोरिलेट करने वाले जो दो प्रोटॉन हैं उनके बीच में 5 to 6 मैक्सिमम बता रहा हूँ 5 to 6 mAh होनी चाहिए, बल्कि इससे कम ही होनी चाहिए अगर हमें बेटर इंट्रैक्शन देखना है। बेटर हमारे पास जो सिग्नल है, इस तरीके से एक को डीकपल बना दिया तो दूसरे की
इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये इंटेंसिटी का बढ़ना, दूसरे की इंटेंसिटी का बढ़ना डिपेंड करता है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस अगर इन दो प्रोटोनों के बीच में डिस्टेंस कम होगी तो एक को डीकपल करने के बाद दूसरे की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, ये होता है इसमें। And if distance between correlating nuclei is increases, then the intensity of signal is decreases. यानी कि अगर हमारे पास डिस्टेंस बढ़ती है जो कि correlate कर रहे हैं एटम या फिर nuclei, उनके बीच में distance बढ़ रही है, तो इस condition में क्या होगा, हमारे पास intensity है signal की, वो decrease करेगी। This effect is observed in space. यानी कि ये जो effect होता है ये हमें space में observe होता है। Space में जो हमारे पास प्रोटोनों का interaction होता है उसमें हमें ये जो होता है। ठीक है, तो मेन चीज यही है कि इसमें ना इंट्रैक्शन जो होता है वो स्पेस के थ्रू होता है। ये ही चीज, ये ही जो पॉइंट है, ये इसे स्पेशल बनाता है। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ बीटा मेथिल स्टायरीन। यानी कि जो हमारे पास ये बीटा मेथिल स्टायरीन है, इसके हमें पता है दो आइसोमर बनेंगे, सिस और ट्रांस आइसोमर। अब इस सिस और ट्रांस आइसोमर को किस तरीके से हम डिस्टिंग्यूज कर सकते हैं, वो इस इन दोनों स्पेक्ट्रा के थ्रू हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो अगर हम ट्रांस बीटा मेथिल स्टायरीन की बात करें तो यहां पर हमें एक चीज देखने को मिलती है। देखो यहां पर ट्रांस की अगर बात करें तो यहां पर H2 जो है ये H4, ये जो H है इसे 4 नंबर मैंने दे रखा है, ये 2 है। ये यहां पर जो CH3 के प्रोटॉन है इसे 1 नंबर दे रखा है, इसे 2, इसे 3, यहां पर ये 3 है, ये 4, 5, ठीक है, 4 ये, 5A, 6A, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो H4 है ये H2 के साथ इंटरेक्ट करेगा स्पेस में, ये जो खाली जगह है इसके थ्रू, यानी कि यहाँ पर ये दोनों की डिस्टेंस जो है ये बहुत कम है यहाँ पर, इसीलिए ये दोनों के दोनों इंटरेक्ट करेंगे और इनका इंटरेक्शन हमें क्रॉस पीक के थ्रू देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर जो H2 जो है वो H4 के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसीलिए हमारा जो स्पेक्ट्रा आता है इसका, वहाँ पर हमें ये पीक देखने को मिलती है, क्रॉस पीक देखने को मिलती है, जो ये इंडिकेट करती है कि हमारा जो ये प्रोटॉन है ये इंटरेक्ट करेंगे, H2 और H4 प्रोटॉन जो है ये इंटरेक्ट करेंगे, और ये इंटरेक्ट तभी कर सकते हैं जब ये केवल ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट हो। सिस फॉर्म में ये इंटरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिस फॉर्म में इन दोनों की डिस्टेंस जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखो इस स्पेक्ट्रा में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये H2 है और ये जो H4 है इनकी डिस्टेंस बढ़ चुकी है, इस वजह से यहाँ पर हमारे पास H4 और H2 कहां पर है, H2 यहां पर कोई भी यहां पर पीक देखने को नहीं मिलती है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि ये हमारे पास सिस बीटा स्टायरीन है और ये वो हमारे पास ट्रांस बीटा स्टायरीन है। ठीक है, तो इसका स्पेक्ट्रा कुछ इस तरीके से लेंगे और यहां पर ये जो लाइन है इसे हम डायगोनल लाइन बोलते हैं। डायगोनल लाइन के ऊपर जो भी पीक देखने को मिलती है उन्हें हम डायगोनल पीक्स बोलते हैं। ये हम कोजिक जो स्पेक्ट्रा है वो इसके सिमिलर ही है, लगभग सिमिलर है इसके, लेकिन यहां पर जो इंटरेक्शन है ये स्पेस के थ्रू हो रहा है। और बाकी का देखो, बाकी भी इंटरेक्शन शो कर रहे हैं। देखो यहां पर हम सेम टू सेम उस कोजी का जो स्पेक्ट्रा होता है उसी तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा चीज ये है कि इसमें जो ये इंटरेक्शन हो रहा है ये इंटरेक्शन हम यहां पर शो कर रहे हैं। ये जो इंटरेक्शन है इतनी दूर, देखो हमारे पास जो कोजी स्पेक्ट्रा है वो कोजी स्पेक्ट्रा इतनी दूर का इंटरेक्शन शो नहीं करता है, लेकिन नोजी स्पेक्ट्रा में हमें ये देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर हमारे पास इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती है, जिसकी वजह से ये जो खाली जगह है इस खाली जगह के थ्रू ये इंटरेक्ट कर लेंगे, क्योंकि खाली जगह इतनी ज्यादा नहीं है कि जो इन दोनों प्रोटोनों का इफेक्ट कम कर दे, एक दूसरे पर जो लग रहा है उसे कम कर दे, इसलिए ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करें, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे जिससे हमारे पास एक क्रॉस पीक आएगी जो इंडिकेट करेगी कि ये दो हमारे पास जो प्रोटोन है वो एक ही तरफ प्रेजेंट है। इसीलिए हम नोजी स्पेक्ट्रा के थ्रू आराम से बता सकते हैं कि कौन सा सिस आइसोमर है और कौन सा ट्रांस आइसोमर है। ये जो है ये हमारे पास डायगोनल पीक्स आएंगी, यहाँ पर जो ये है ये पॉइंट ये डॉट्स जो है ये हमारे पास डायगोनल पीक्स हैं। डायगोनल पीक हमें ये बताती हैं कि हमारे पास जो भी स्पेक्ट्रा आया है उसमें कितने टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 टाइप के इस मॉलिक्यूल में 6 टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, जो कि यहाँ पर इंडिकेट कर रखा है। और देखो यहाँ पर 6 सिग्नल आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 सिग्नल आ रहे हैं। देखो इस सिग्नल्स को मत देखना, क्योंकि ये सिग्नल्स हमारे पास एक तो सोलवेंट की वजह से आ रहा है, एक हमारे पास जो ये वाटर मॉलिक्यूल है उसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, तो इन सिग्नल्स को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। हमारे पास मेन सिग्नल ये आते हैं 6, ठीक है।
तो यहाँ पर ये डायगोनल पीक्स आती हैं, और ये जो पीक्स होती हैं इनको हम बोलते हैं क्रॉस पीक्स। और क्रॉस पीक कब आती हैं, देखो ये जो है ये तो हमने कोजी में भी पढ़ा था कि H1 जो है ये H1 H2 के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये तो करेगा H1 H2 के साथ आराम से इंटरेक्ट करेगा, जिसे कोजी में देखते हैं। कोजी में हम इनके साथ ही रिलेशन देखते हैं, ये किस तरीके से देखो H1 H2 के साथ को रिलेट कर रहा है, स्पिन स्पिन कपलिंग हो रही है, इसको हम शो करते हैं इसी तरीके से। अगर आपने कोजी देख ली होगी ना तो ये समझना बिल्कुल आसान है। अगर आपको कोजी, अगर आपने कोजी स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देखी है जो मेरी पिछली वीडियो थी, तो ये आपको नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, बस ये स्पेस की बातें करता है, स्पेस में जो इंट्रैक्शन हो रहा है उसकी बातें करता है बस, बाकी सारी की सारी चीजें सिमिलर होती हैं कोजी से, ठीक है। तो ये था हमारे पास नोजी स्पेक्ट्रा। और अगर बात करें इन ट्रांस आइसोमर H2H4 प्रोटोन, यानी कि H2 और H4 प्रोटोन जो कि आपस में इंट्रैक्ट कर रहे हैं थ्रू स्पेस, बिकॉज दे आर क्लोज टू ईच अदर, क्लोज होते हैं एक दूसरे के पास होते हैं। इन सिस आइसोमर H1 एंड H4, यानी कि H1 जो है ये H4 के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो CH3 है ये ऊपर की साइड है, यानी कि CH3 के जो प्रोटॉन है वो इस H4 के पास है, जिससे ये हमारे पास एक क्रॉस पीक देते हैं जिससे हम आराम से पता लगा सकते हैं। तो ये कोजी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये हमें ये बता देती है कि कौन सिस है कौन ट्रांस है, यानी कि हमारे पास सिमेट्री का पता हम आराम से लगा सकते हैं इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। तो ये था हमारे पास बीटा मेथिल स्टायरीन का दो हमारे पास स्पेक्ट्रा, एक ट्रांस फॉर्म का स्पेक्ट्रा है, एक सिस फॉर्म का स्पेक्ट्रा है, जिससे हम आराम से बता सकते हैं इस स्पेक्ट्रा को देख करके कि कौन ट्रांस है कौन सिस आइसोमर है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।